हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड। जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 8 जून से लेकर 22 जून तक के लिए होंगे। हम वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके लिए, भारत ने एशिया कप पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है और कोरिया ने इस एशिया कप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जो कि 2022 में खेला गया है, इसमें कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम ने जकार्ता में हुए 1 जून को खेले गए सेमीफाइनल मैच में जापान को 1-0 से हराया और इस प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीता। अगर इस एशिया कप के खिताब की बात करते हैं तो वो जीता है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। कोरिया की टीम जो है एशिया हॉकी कप में रिकॉर्ड 5 बार ये खिताब जीत चुकी है। सेकंड है, तुर्की ने अपना आधिकारिक नाम परिवर्तित करके तुर्की रखा है, तो अब जो है तुर्की का नाम तुर्की जाना जाएगा। एशिया और यूरोप के बीच मेडिटेरियन सी में पड़ता है, उसका नाम अब तुर्की नहीं तुर्की होगा। डिटेल में देख लेते हैं, तुर्की ने अपना आधिकारिक नाम बदलने का निर्णय लिया है और इसलिए इस देश का नया परिवर्तित नाम होगा तुर्की। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन 2022 की। राफेल नडाल ने पुरुष में और ईगा स्वीटेक ने महिला में एकल खिताब जीता है। सिंगल मुकाबले अपने जीते 2022 का जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, यह टूर्नामेंट जो है 16 मई से लेकर 5 जून तक पेरिस के स्टेट रोलैंड गैरोस में खेला गया था। यह फ्रेंच ओपन का 126वां संस्करण था, 126वां टूर्नामेंट था। अब देख लेते हैं जन समर्थन पोर्टल के बारे में जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2022 को लॉन्च किया है। ये किस लिए लॉन्च किया है? ताकि इस पोर्टल के थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को आपको एक ही पोर्टल पर मिल सके। जन समर्थन पोर्टल एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जो कि सरकार की जो क्रेडिट योजनाएँ हैं उनको आपस में जोड़ता है। यह अपनी तरह का पहला मंच है जहां पर लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। जो यह पोर्टल जो है छात्रों को, व्यापारियों को, किसानों को और एमएसएमई उद्यमियों को। एमएसएमई क्या होता है? मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनके जो उद्यमी होते हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ उनके सपनों को भी साकार करने में यह पोर्टल मदद करेगा। दोस्तों अब देख लेते हैं इस महीने की इम्पोर्टेंट अग्निपथ योजना के बारे में जो कि इस महीने लॉन्च हुई। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने तीनों सेवाएं कौन सी? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, तीनों सेवाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई योजना लेकर आई जिसका नाम है अग्निपथ योजना। और जो सैनिक इस भर्ती के थ्रू भारतीय सेना को अपनी सेवा देंगे उनको कहा जाएगा अग्निवीर। इसके तहत जो है इस योजना के तहत 45 से लेकर 50,000 सैनिक हर साल भर्ती किए जाएंगे। उनमें से ज़्यादातर की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए की जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी सैनिक इस स्कीम के थ्रू भर्ती किए जाएंगे उनमें से 25% जो है स्थायी कमीशन प्राप्त करेंगे, यानी 4 साल के बाद उनको 25% को सेना में रखा जाएगा और वे अगले 15 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवा जारी रखेंगे। अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए यह अग्निपथ योजना शुरू की गई है, यानी यह योजना भारतीय सेना में ऑफिसर्स के ऊपर लागू नहीं होती है। इसके तहत जो है 17.5 वर्ष यानी 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन होने के बाद जो है उम्मीदवार को 6 महीने का प्रशिक्षण मिलेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। उसके बाद जो है 3.5 साल के लिए बाकी बचे 3.5 साल के लिए भारतीय सेना में अपनी सेवा देंगे। अग्निवीर का जो पेमेंट रहेगा वो 30,000 रुपये महीना रहेगा, जो कि लास्ट में चौथे साल जो है 40,000 रुपये हो जाएगा। इस अवधि के दौरान जो है उसके वेतन का 30% जो है सेवा निधि कार्यक्रम के तहत अलग रखा जाएगा, जिसके तहत जो है सरकार भी प्रति माह समान राशि, जितनी राशि अग्निवीर के वेतन से कटेगी उतनी ही राशि सरकार के द्वारा जमा की जाएगी और अंत में 4 साल के बाद जब वो भारतीय सेना को छोड़कर जाएगा तो उसको लगभग 11.71 लाख रुपये मिलेंगे। इस फंड पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के बारे में जो कि इस साल भारत में
आयोजित किया जाएगा। इसमें जो सेमीफाइनल मैच जो खेला जाएगा वो गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा, और फाइनल मैच जो रहेगा वो नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होंगे। भारत के इसमें तीन मैच होंगे जो कि 11, 14 और 17 अक्टूबर को खेले जाएंगे, और फाइनल मैच कब खेला जाएगा, 30 अक्टूबर को। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। हर साल जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है योग के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाना है और लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, वर्ष 2015 में मनाया गया था, और इस साल जो इस योगा की थीम रखी गई थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अब दोस्तों जान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जो कि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित किया है। चुनाव जीतने के बाद वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होगी। ये इम्पोर्टेंट है, वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होगी, और वो कहाँ से संबंध रखती है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से। उनका जन्म कब हुआ था, 20 जून 1958 को, और वे आदिवासी समाज से संबंधित है। अब भारत गौरव रेलगाड़ी के बारे में देख लेते हैं। भारत गौरव रेलगाड़ी की शुरुआत की है। इस श्रृंखला की पहली भारतीय गौरव रेलगाड़ी 14 जून को कोयम्बटूर उत्तर से लेकर साई नगर शिरडी के लिए शुरू की गई है। दक्षिण रेल सेलम के मंडक प्रबंधक, जिनका नाम है गौतम श्रीनिवास, उसने झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। यह रेलगाड़ी प्राइवेट सेवा प्रदाता साउथ स्टार रेल द्वारा संचालित की जाती है। तो यह एक प्रकार से प्राइवेट ट्रेन है जो कि साउथ स्टार रेल के द्वारा चलाई जाती है। इस रेलगाड़ी के संचालन के लिए प्रतिवर्ष 3,34,00,000 रुपए का निश्चित राजस्व मिलेगा। अब देख लेते खेलो इंडिया युवा खेल 2021 के बारे में, जिसमें हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो इस साल जो है खेलो इंडिया युवा खेल 2021 खेला गया, जो कि लास्ट ईयर नहीं खेला गया था कोरोना की वजह से, इसको लास्ट ईयर आयोजित नहीं किया गया था। इस साल खेलो इंडिया युवा खेल खेला गया। यह इस खेल का चौथा संस्करण था, जिसमें 36 राज्यों ने और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। इन खेलों में हरियाणा ने कुल 137 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। हरियाणा ने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 40 कांस्य पदक जीते। सेकेंड नंबर पर रहा महाराष्ट्र, जिसने 45 गोल्ड मेडल, 40 सिल्वर मेडल और 40 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो इस प्रकार से 125 पदक जीतकर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा, और तीसरे नंबर पर कौन सा रहा, कर्नाटक। तो इस साल जो खेलो इंडिया युवा खेल खेला गया उसमें हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा, सेकेंड पे रहा महाराष्ट्र और थर्ड पे रहा कर्नाटक। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, यह हरियाणा के पंचकुला जिले में आयोजित किया गया था, और किस स्टेडियम में, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया था। अब दोस्तों देख लेते हैं भारत के जीवन प्रत्याशा के बारे में, जो कि इस वर्ष 69.7 वर्ष हुई है। जीवन प्रत्याशा क्या है, आदमी के जीने की जो एवरेज एज है, जो औसत आयु है, उसको जीवन प्रत्याशा बोला जाता है। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। इसमें 2015 से लेकर 2019 के आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें भारत की औसत आयु कितनी रही, 69.7 वर्ष। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल की जो जीवन प्रत्याशा है वो 72.6 वर्ष है, और भारत की है 69.7 वर्ष। तो आप देख सकते हैं यह कितनी कम है। जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। हाँ, अगर भारत के बारे में बात करते हैं तो 1970-75 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 49.7 वर्ष। 45 साल के दौरान भारत ने 20 साल का इजाफा किया है, तो अभी कितनी है, 69.7 वर्ष। दिल्ली की जीवन प्रत्याशा के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली की जीवन प्रत्याशा है 75.9 वर्ष, जो देश की सबसे ज्यादा है। वहीं इसके बाद केरल, जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा सबसे कम है, कितनी है, 65.3 वर्ष। उसके बाद सेकंड नंबर पर कम जीवन प्रत्याशा में आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी औसत आयु है 65.6 वर्ष। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो जापान की जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा कितनी है, 85 वर्ष।
और सबसे कम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। उसकी औसत आयु है 54 वर्ष। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब अभी कवर कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें पहला आ जाता है, हाल ही में किस देश ने भारत का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चाइना ने। तो चाइना ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। चीन का कहना है कि अमेरिका की तरफ से वर्ष 2020 में जारी किए गए चांद की सतह की तस्वीरों से ज़्यादा उसके नक्शे में जानकारी मिलती है, इससे चांद पर आगे रिसर्च करने में सहायता हेल्प मिलेगी। सेकंड है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने मानेसर में, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में, तो हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का सोलर कारपोरेट स्थापित किया है? तो राइट आंसर रहेगा मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के अपने मानेसर कारखाने में 20 MWP यानी कि मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र लगाया है। कंपनी ने हाल ही में बयान दिया है कि इस इकाई से सालाना 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बनता है, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इस साल संन्यास लिया है? तो उसका राइट आंसर रहेगा मिताली राज ने, जिसके ऊपर एक बायोग्राफिक मूवी भी बनाई जा रही है, जिसमें मेन लीडिंग रोल में रहेगी तापसी पन्नू। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की है? तो राइट आंसर रहेगा श्रीलंका। जैसे आपको पता है श्रीलंका में एमरजेंसी लागू की गई थी, क्यों? क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है, तो इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को 4 महीने की अवधि के लिए, 4 महीने के समय के लिए $48 मिलियन की सहायता प्रदान की है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जिसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, उसने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अमनदीप सिंह गिल। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव है जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, उसने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक जिनका नाम है अमनदीप सिंह गिल, उसको प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का अपना दूत नियुक्त किया है। अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसमें कितने साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा 4 साल। तो सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों को भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बनता है, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से जहाँ पर मिसाइलें टेस्ट की जाती है, जिसका नाम है एकीकृत परीक्षण रेंज, यहाँ से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के द्वारा अभी फिलहाल में किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पृथ्वी 2। ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल टेस्टिंग के लिए एक रेंज बनाई गई है जिसका नाम है एकीकृत परीक्षण रेंज, यहाँ से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2, उसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, किसे हाल में संयुक्त राष्ट्र अवर का महासचिव नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रबाब फतिमा। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि जिसका नाम है राजदूत रबाब फतिमा, उसको संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा यानी अपर एज लिमिट कितनी बढ़ाई है, जो कि पहले 21 वर्ष थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 23 वर्ष। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, निम्न में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान। FTF के बारे में जान लेते हैं, FTF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठनों व आतंकियों को फंडिंग रोकने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। ये हर साल जो है अपनी एक लिस्ट जारी करती है जिसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है। वैसे पेरिस में इस साल हुए इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए पाकिस्तान के कदमों की भी इस संस्था ने तारीफ की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है जून 2018 के बाद जो है इस संस्था यानी कि FATF की निगरानी सूची में बना हुआ है और इस सूची में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने वाला देश है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर जो कि 8 जून से लेकर 22 जून तक का कवर किया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।